थोड़ा ब्राउन करना। हेलो, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, आपने आज चेकआउट नहीं किया। आप आज चेकआउट करने वाले थे ना, आप अपना स्टे एक्सटेंड कर रहे हैं? हाँ, हम एक्सटेंड कर रहे हैं एक हफ्ते के लिए। 7 दिन बाद मैं चेकआउट करूंगी। ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। सात दिन बाद मैं यहाँ से चेकआउट करूंगी और केटी के घर जाऊंगी, और प्रीति खुद मुझे वहां लेकर जाएगी। प्रीति जी, आप हेलो सर, नीचे एक काउच आया है प्रीति मैम के लिए। काउच? प्रीति जी, कोई काउच मंगवाया था आपने? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो कुछ नहीं मंगवाया। अच्छा ठीक है, नीचे रख दो, मैं देखता हूँ। जी सर। इतनी रात को फोन क्यों किया है मुझे? गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? क्या मतलब? वो जो काउच है मैंने ही तो भिजवाया है। अब शादी तो तुमने उससे मुझे दिखाने, मुझसे बदला लेने के लिए की है, तो पति पत्नी वाला रिश्ता और नजदीकियां तो होंगी नहीं। नाम का जो रिश्ता है, तुमने तो अब तक मेरे नाम का टैटू भी नहीं हटाया अपने जिस्म से, तो बेड तो क्या ही बदलोगी। और अब जिस बेड पर मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, उसी बेड पर तुम्हारी बिजनेस पार्टनर सोए, इतनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी नहीं होगी उसमें। इसलिए उसके लिए काउच भेज दिया। नंदिनी, तुम वो केटी जी, मैं क्या बोल रही हूँ? अरे नंदिनी जी, आप क्या? नंदिनी जी, लगता है मेरे पति की बात आपको समझ में नहीं आई ऑफिस में। उन्होंने क्या कहा था? हमारी अभी नई नई शादी हुई है, तो इस वक्त हमें आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था ना। आप एक काम क्यों नहीं करती, सो जाइए या फिर कोई टीवी का कुछ शो वो देख लीजिए, है ना? अच्छा रहेगा आपके लिए। इस वक्त ऐसे किसी और के पति को फोन करना अच्छी बात नहीं है ना। और हाँ, एक बात और, आज के बाद से ना हमारी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करना या उसमें घुसने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। बंद कर दीजिए ये सब। चले केटी जी, बहुत नींद आ रही है। एक मिनट। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना आता है ना, तो ले लो। भाई जान, आधी रात को नींद ना आए, कोई झूठी उम्मीदें सर उठाए, तो देख लेना, तसल्ली हो जाएगी। पता चल जाएगा कि खुशी क्या होती है, और यह भी पता चल जाएगा कि केटी और प्रीति जी कितने खुश हैं आपस में। गुड नाइट नंदिनी। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं। आप चाय पियो मेरे साथ। नहीं, वो पहले मुझे लड्डू गोपाल की मूर्ति की स्थापना करनी है। हाँ करो। मंदिर? अरे करो ना, जाओ कर लो। मुझे हमेशा सही मार्ग दिखाया है मेरी जिंदगी के ऊंच नीच में।
आप हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे हिम्मत दी, इसीलिए मैं आप पर विश्वास करती हूँ भगवान। मुझे केटी जी के साथ इस शादी के नए बंधन में आपने कुछ सोचकर ही बांधा होगा, और मैं इस नए रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगी। बस आप मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं केटी जी के अतीत के करवाहट को भुलाने में कामयाब हो जाऊं और उन्हें उनकी खुशियों से फिर से मिला सकूं। वो सर मुझे सर अंकल अंकल बहुत तुमने मुझे पापा कह के पुकारो, साउंड्स गुड, ठीक है पापा। पापा मुझे आपसे छोटा सा काम था, अलमारी की दूसरी चाबी मिल सकती है क्या? वो पहली वाली मिल नहीं रही, मुझे अपना सामान रखना था इसलिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ। लो बेटा। शुक्रिया। नौ बज के अब तक सो रहे हैं, इसीलिए ऑफिस लेट आते हैं। क्या करिए अम्मा, ये अलमारी मेरी पर्सनल है, इसकी चाबी आपको किसने दी? पापा ने दी, वो मुझे अपने कुछ कपड़े रखने थे, अटैची से रोज रोज निकालते वक्त दिक्कत होती थी तो सोचा अलमारी में ही रख दूं। नहीं नहीं इसमें नहीं रख सकती, ये मेरी अलमारी है, मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, आपके लिए नहीं मंगवा दूंगा। ठीक है क्यों, कल तो आप बेड बांटने की जिद कर रहे थे और आज अलमारी नहीं बांट सकते, और ऑफिस में भी तो आप अपनी चीजें बांटते हैं ना केटी जी। ऑफिस की बात और है, मैंने कहा ना ये अलमारी में शेयर नहीं कर सकता हूँ, ये मैं नई अच्छी वाली मंगवा दूंगा, उसमें जो रखने रख लेना आप, ठीक है? कैसे बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं केटी जी, आपके पास अलमारी है ना, ये तो दूसरी अलमारी है, अगर मैंने इसमें थोड़े से कपड़े रख भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है? एक बार में बात आपको समझ में नहीं आ रही क्या? मैंने मना किया ना इसमें नहीं रख सकती आप, तो नहीं रख सकती, बात खत्म। तो ठीक है फिर, मुझे भी कोई नई अलमारी नहीं चाहिए, मैं अपने कपड़े अटैची में ही रख लूंगी। ठीक है मुझे चलेगा। मुझे भी चलेगा। जितना भी दिखावा कर लो तुम दोनों, पर कीर्तन के दिलो दिमाग में सिर्फ मैं बसी हूँ। मेरा वादा है कि 7 दिन के अंदर मैं उसके घर में भी बस जाऊंगी। 7 दिन नंदिनी इन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।